अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आजकल मेरा कोई ब्लॉग नहीं जा रहा, थोड़ी सी मैं बिजी हूँ। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे सास ससुर, और आज हमारे वहाँ रुद्राभिषेक है। डे है सैटरडे, मॉर्निंग का टाइम है, 8 बजने वाले हैं, 7:30 से होने वाले थे। पंडित जी भी आए नहीं हैं, मैं तो रेडी हूँ और सारी तैयारी हो गई है, पंडित जी का सिर्फ वेट किया जा रहा है। और आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। आप लोग को मैंने बताया कि मेरे पापा मम्मी आए हुए हैं। तो ये है मेरे पापा, मेरे ससुर जी, और ये अर्ली मॉर्निंग का क्लिप है। 5 बज रहे होंगे, इस टाइम पे मैं किचन में थी और सावर लेने के बाद सबसे पहले ये बेलपत्र पे राम राम लिख रहे हैं। और जो ये चंदन है, लिक्विड चंदन नहीं है, ये पाउडर चंदन है, तो इसमें गंगा जल ऐड किए हैं लिक्विड बना के, उसी से लिख रहे हैं पापा। और इसके बाद सुमित लिखेंगे। और मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, छोले बना रही थी और आटा वगैरह लगा के मैं रख दी थी। रुद्राभिषेक कराने के बाद या घर में कथा पूजा रहता है उसके बाद कुकिंग करना पॉसिबल नहीं रहता है, तो सबसे पहले मैंने छोले वगैरह बना लिया था, आटा लगा दिया था कि रुद्राभिषेक के बाद पूड़ी तलना हो गया, चपाती बनाना होगा तो ईजी रहेगा, मैं बना लूँगी। और पापा के लिखने के बाद सुमित यहाँ पर लिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं सुमित का पैर कलर कर रही हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा और मम्मी का पैर कलर हो गया है और ये पैर कलर हमारे वहाँ नाउन करती हैं, तो यहाँ पे नाउन तो मिलेंगी नहीं, तो मैं कर रही हूँ। और जो लोग यूपी बिहार से होंगे उन लोग को पता होगा, हम लोग वहाँ कथा पूजा होता है और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैठते हैं कथा पूजा में, तो दोनों लोग का पैर कलर होता है। तो जो लेडीज होती हैं उनका पूरा पैर कलर होता है, जेंट्स लोग को आप 5 उंगली कर देंगे तो चलेगा। और अंश देखे हैं कि सुमित का हो रहा है तो बोल रहे हैं मेरा भी होगा, तो यहाँ पे पापा कर रहे हैं इनका, तो पापा से करवा रहे हैं। और अभी पंडित जी आए नहीं थे, आने में उनको टाइम था, तो मैं यहाँ पर नेल पेंट लगा रही हूँ। मम्मी भी रेडी हो गई हैं और फटाफट मैं बोली हूँ लगा लेती हूँ नेल पेंट, और सारे काम हो गए हैं, सिर्फ पंडित जी का ही वेट किया जा रहा है। फाइनली पंडित जी आ गए और अभी 9 बजने वाले हैं। हमारे वहाँ रुद्राभिषेक 7:30 बजे से होने वाले थे, पंडित जी को कहीं और भी करना था रुद्राभिषेक, तो मॉर्निंग का रखा गया था। और आज की जो तिथि है बहुत अच्छा था, गांव के पंडित जी बताए थे पापा से, तो पापा बोले थे आज का ही रखना, तो आज का हम लोग रखे थे। और पंडित जी को आने में लेट हो गया है, रात से ही बारिश हो रही थी, तो रात में जब बारिश हो रही थी धीरे धीरे हो रही थी, मॉर्निंग में तेज़ से होने लगी है, तो टाइम पे नहीं आ पाए हैं, तो 9 अभी बज रहे हैं। और सुमित भी रेडी हो गए हैं, ये मैं चुंदरी लेके जा रही हूँ कथा में ओढ़ के बैठने के लिए, और मम्मी हलवा बना रही थी तो हलवा भी बन गया है, तो ये साइड में मम्मी रख रही हैं। और यहाँ पे मैं बेलपत्र पे राम राम लिख रही हूँ, मम्मी लिखने के बाद 2-4 पत्ते मेरे लिए रख दी थी कि टाइम रहेगा तो मैं भी लिख दूँगी। तो अभी पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे तो मेरे पास टाइम था, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे पापा हैं, पंडित जी का हेल्प कर रहे हैं, पंडित जी जोत दे रहे हैं, तो पापा इसमें घी डाल रहे हैं। और पूजा की सारी तैयारी हो गई है, इसके बाद हम लोग पूजा पे ही बैठने वाले हैं। और आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। और अब हम लोग पूजा पे बैठ गए। आप लोग को एक बात मैं बता दूं, आप लोग सोचोगे कि ऐसे क्यों पूजा पे बैठी है, तो मैं थोड़ा सा हाइट पे बैठी हूँ, छोटे वाले स्टूल पे, इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ, पालथी नहीं मार पाई हूँ। जो लोग मेरी ब्लॉग देखते होंगे उन लोग को पता होगा कि मैं नीचे नहीं बैठती हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, तो मैं थोड़ा सा हाइट पर बैठती हूँ। और अंश बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, मेरे से बोले थे मम्मा मुझे प्रसाद चाहिए, सामने प्रसाद में पेड़ा रखा गया था तो इनको पेड़ा चाहिए, तो बार बार आके मेरे से मांग रहे थे। और इसके बाद गठबंधन हो रहा है, पंडित जी गठबंधन कर रहे हैं, तो ये गठबंधन हमारे वहाँ ननद नहीं तो भांजी करती हैं, तो मैं पंडित जी से बोली हूँ तो बोले हैं ठीक है आप बुला लीजिए, तो परी को पापा बुला रहे हैं बांधने के लिए, तो ये आ गई बांधने के लिए, और ये परी बांध नहीं पा रही थी, तो पंडित जी बोले हैं कि ठीक है मैं बांध देता हूँ, बाद में ये हाथ लगा लेगी,
तो पंडित जी यहाँ पे बांध रहे हैं, और ये बांधने के बाद पंडित जी इनको बोले हैं कि एक बार तुम हाथ लगा लो, तो परी यहाँ पे हाथ लगा रही हैं। छादयामि सोमस्वा राजा मृतेनानुवस्ताम् मैं उरुर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानुदेवा मदन्त्वं कौचायभुम् विश्वत चक्षुरुत विश्वत द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नेत्रत्रयाय वकट ओम मानसो केतनये मान आयुष्मानो गोपमानो अस्ते पुरी रकः महे अस्त्राय पट और ये रुद्राभिषेक दिल्ली में मैं पहली बार करा रही हूँ। नहीं तो ससुराल और मायके में सावन में कथा रुद्राभिषेक होता रहता है, तो हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो मम्मी पापा बोल रहे थे लोग कि तुम लोग वहाँ पे ही करवा लो, तो ये लोग आए हैं, तो हम लोग इस बार रुद्राभिषेक रखे हैं। लास्ट ईयर हम लोग ने कथा रखा था, तो ये सिर्फ दूध से रुद्राभिषेक हो रहा है। ओम हरे 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 महादेव।
रुद्राभिषेक तो हो गया, अभी 2 बजने वाले हैं और एक क्यूटी पाई मेरी भतीजी है और ये मेरी भाभी हैं। रुद्राभिषेक होने के 10 मिनट बाद ये लोग आए हैं। लोग ये लोग मॉर्निंग में ही आने वाले थे लोग, बट नहीं आ पाए हैं लोग। आप लोग को मैंने बताया कि बारिश हो रही थी, कैब बुक होके कैंसिल हो जा रही थी। और ये लोग गुड़गांव रहते हैं लोग, ये मेरे भैया हैं, मेरे पापा हैं। ये ब्लॉग में ही एंड करती हूँ। आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। साइड में बेल बटन उसको ज़रूर आप लोग प्रेस करें कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपने चैनल पर ब्लॉग भी डालती हूँ, होम रेमेडी भी डालती हूँ, मेकअप लुक भी डालती हूँ। कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा जो आप लोग देखेंगे। मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।